नमस्कार साथियों, इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो आज की क्लास के अंदर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यटन स्थल पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पर्यटन स्थल पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली स्थित है जैसलमेर ज़िले में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर ज़िले के अंदर पटवों की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहा जाता है? जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कु। क्या कहा जाता है? कु। जो भील जाति के जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। भीलों की भाषा में टेपाड़ा, टेपाड़ा क्या होता है? टेपाड़ा होता है एक अंगरखी होता है। अंगरखी मतलब जो शरीर के ऊपर जो अंगोछा मानते हैं अपन, मारवाड़ी कहते हैं अंगोछा, या कोई कपड़ा होता है शरीर के ऊपर कंधे के ऊपर रखा जाता है, उसे अंगरखी कहा जाता है। उसे वो भील जाति की भाषा में क्या कहते हैं? टेपाड़ा। अगला क्वेश्चन है, सांगड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? सांगड़ी प्रथा का मतलब है बंधुआ मजदूर। जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जो श्रमिक के रूप में काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर। ठीक है जी। देखो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए, राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर, मशहूर मतलब फेमस नगर कौन सा है? वह है भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भी क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में काला पत्थर, कौन सा पत्थर? काला पत्थर किस स्थान पर निकाला जाता है? वह है बैसलाना। क्या नाम है उसका? बैसलाना के अंदर राजस्थान में काला पत्थर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? संगठित मतलब सब साथ मिलकर काम करते हैं। वह है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग को ही प्राचीन संगठित उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर, किस पर? लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान कौन सा है? एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ, बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित, किस पे? लिग्नाइट। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है, उस पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान है, वह है बाड़मेर के अंदर कापोड़ी। क्या नाम है? कापोड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेल वैगन मतलब रेल बनाने के जो भी आइटम्स होते हैं वो बनते हैं, उनका कारखाना है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर जिले के अंदर। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बारहवीं वाला, क्योंकि अभी मेगावाट शक्ति परियोजना चल रही है, ये जो इलेक्ट्रिक किस तरीके से बनेगी उसके ऊपर काम चल रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खाने हैं? किस क्षेत्र में तांबे की खाने हैं? वह है खेतड़ी। क्या नाम है उसका? खेतड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन, आपने देखा होगा सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन नागौर, नागौर जिलों के पास। अति मुलायम खनिज ताल सोप स्टोन मुख्यतः तो होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट के। किसके बने होते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट के। तो उसके फॉर्मूला होता है MgSO4, मैग्नीशियम सिलिकेट जो सल्फेट हो गया।
छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन, घोटन स्थान नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? घोटन स्थान नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूने के पत्थर के लिए। किसके लिए? चूने के पत्थर के लिए घोटन नागौर स्थान प्रसिद्ध है। गणेश्वर का टीला, क्या पूछ रहा है आपको? गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन तांबे के कोई भी पदार्थ या अवशेष मिले हैं, जिसमें तांबे के बने हुए, जैसे कोई गड़ा हो सकता है, स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन हो सकते हैं, वो सारे अवशेष मिले, वो कौन से ज़िले में है? सीकर ज़िले में। कहाँ पे है? गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं, वह कौन से ज़िले में है? सीकर ज़िले में। अब आपको पूछ रहा है लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला मैंने बताया था एक खनिज पट्टी है, या उसको भूगर्भीय जलीय पट्टी भी कहते हैं। भूगर्भीय जलीय पट्टी भी कहते हैं। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क भाग है, आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क भाग है, वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान का, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जैविक पार्क की स्थापना की गई है नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। कहाँ की गई? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर जैविक पार्क की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी पूछ रहा है वह है राजस्थान डेयरी फेडरेशन जयपुर। सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी राजस्थान के अंदर है राजस्थान डेयरी फेडरेशन जयपुर। राजस्थान में ऊँटों की देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? किसकी? राजस्थान में ऊँटों की देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? वह है बाबूजी। तो इस प्रकार ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए एग्जाम के। अगर आपको इंग्लिश क्लासेस पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।